यो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज टॉमस्टर एंड आज मैं आपको हेलब्लेड सेनुआ सेक्रीफाइस की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। बाय द वे, अगर आपने ये गेम नहीं खेली देन आप अपनी जिंदगी से एक बहुत प्रीमियम एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू टू प्ले दिस गेम। ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत बोलना, क्योंकि ये चीज मुझे मोटिवेट करती है। सो प्लीज डू इट एंड इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये गेम ब्लेड 8th सेंचुरी में सेट है, जहाँ इस गेम में नॉर्स माइथोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सेनुआ एक पिक्टिश वॉरियर अपने होम ऑर्कनी से निकल हेलहेम के बॉर्डर में पहुंचती है, जहाँ उसे अपने लवर डेलियन की सोल को हेला से सेव करना होता है। एज करेंटली डेलियन इज डेड, बट सेनुआ को लगता है कि अगर वो उसकी सोल को हेला से बचा लेगी देन डेलियन जिंदा हो जाएगा। सेनुआ के साथ इस क्वेस्ट में और भी लोग होते हैं, जैसे फ्यूरीज जो कि सेनुआ के माइंड के अंदर की आवाजें होती है, एंड सेनुआ इनको अपना कर समझती है। बट यही फ्यूरीज काफी बार सेनुआ को क्वेस्ट और पजल्स में मदद भी करते हैं। देन एक नरेटर जो कि गेम का पार्ट है, बट उसे गेमर्स और प्लेयर्स के प्रेजेंस के बारे में पता है, इसलिए वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके प्लेयर से बातें भी करता है। एंड एक ड्रूथ नाम का आदमी जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बट लॉर स्टोन्स की मदद से वो सेनुआ को नॉर्थ मेंस एंड नॉर्थ गॉड्स की स्टोरीज बताता है, ऑल्सो हेल्पिंग हर इन पजल्स। प्लस सेनुआ यहाँ अपने साथ डेलियन का हेड भी लेके घूम रही होती है टू सेव हिम। सेनुआ हेलहेम के बॉर्डर पे पहुंचने के बाद उसे पहले हेलहेम का गेट खोलने के लिए गेट के गार्ड्स फायर जायंट सर्टर एंड गॉड ऑफ इल्यूजंस वाल रावण को डिफीट करना पड़ता है, जिसके बाद हेलहेम के ब्रिज से जाते फाइनली सेनुआ हेला से एनकाउंटर करती है, जो कि सेनुआ की स्वॉर्ड को तोड़ उसे काफी इंजर्ड कर देती है। बट सेनुआ इस पॉइंट पे डेथ को डिफीट कर फिर से उठती है, एंड नाउ सेनुआ ड्रूथ और एक मैन शेप्ड लाइट को फॉलो करती है, थिंकिंग इट्स डिलियन, जो कि उसे एक जाइंट ट्री की तरफ लेके जाते हैं। एंड ये ट्री सेनुआ को सेकेंड चांस देने के लिए चार ट्रायल्स और टेस्ट से गुजरवाती है, एंड यही पे स्टोरी का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा रिवील होता है। वैसे गेम में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बताया था, बट मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो सेनुआ बचपन से ही कर्स थी, जहाँ उसे फ्यूरीज की आवाजें सुनाई दिया करती थी, एंड वो अपने अंदर की रॉटिंग और डार्कनेस से फाइट किया करती थी। एस अगर ये डार्कनेस उसे ओवरकम कर ले देन वो मारी जाएगी। सेनुआ की मदर गेलिना भी इसी कर्ज से पीड़ित थी, बट उसने इसे कर्ज की जगह एक वरदान या ब्लेसिंग की तरह समझा, एंड इसीलिए सेनुआ के फादर जेनबेल जो कि रिलीजियस एंड गॉड्स के डिवोटी थे, उन्होंने गेलिना को जिंदा मार डाला। एंड आफ्टर रियलाइजिंग कि सेनुआ भी कर्ज्ड है, उन्होंने सेनुआ को बाहर की दुनिया से कट करके सबसे छुपा कर रखा। बट यही डिलियन जो कि अपने वॉरियर ट्रायल्स के लिए आया था, वो सेनुआ के स्वॉर्ड स्किल्स सीखता है, एंड सेनुआ रिवीलिंग कि ये स्किल्स उसने डिलियन को देखकर सीखे हैं। डिलियन काफी इम्प्रेस होता है। सेनुआ डिलियन से इंटरेक्ट नहीं करना चाहती थी, एज उसे फादर उसे किसी से मिलने नहीं देते, बट डिलियन सेनुआ को एक यूनिक एंड ब्यूटीफुल लेडी समझ उसे अपनाता है, जिससे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। और सेनुआ अपने फादर जेनबेल से लड़ाई कर घर से भाग जाती है टू लिव विद डिलियन। बट वहीं एक प्लेग के चलते डिलियन के फादर की डेथ हो जाती है, जिससे काफी लोग सेनुआ को ब्लेम करते हैं एज शी वाज कर्स्ड। और सेनुआ को यहाँ पे लगता है कि इसी चीज के लिए डिलियन भी उसे ब्लेम करता है, एंड इसी वजह से सेनुआ एक सुसाइड अटेम्प्ट भी करने वाली थी, पर डिलियन उसे बचा विश्वास दिलाता है कि वो उसे कभी हेट नहीं करेगा, एंड सेनुआ और डिलियन कभी अलग ना होने का प्रॉमिस करते हैं। अब सेनुआ पेरेंट्स या फिर जिसे आप वनवास भी कह सकते हो वही करने जंगल में चली जाती है, एंड उससे कुछ टाइम बाद वो डिलियन के विलेज वापस आते, देखते कि नॉर्थ मेंस ने पूरे विलेज को रेड कर वहाँ के लोगों को मार दिया है, एंड डिलियन को सबसे डेडलीस्ट एंड कोरी डेथ मिली है, जहाँ नॉर्थमेंस ने उसे ब्लड ऑफ ईगल पनिशमेंट का यूज कर एक तरफ से नॉर्थ गॉड्स के लिए बलिदान दिया। बाय द वे, ब्लड ईगल पनिशमेंट में बैकबोन को रिप से बाहर निकाल दिया जाता है एंड लंग्स को भी, और ये सब वो अपने हाथों और तलवारों से चीर कर करते हैं, जिसके बारे में आप किसी यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ सकते हो। सो सेनुआ यहाँ पे डिलियन को डेड देख उसके हेड को काट अपने एडवेंचर पर निकल पड़ती है, जो कि फिर स्टोरी को इस पॉइंट पे लेके आता है। अब सेनुआ सारे टेस्ट को कंप्लीट करके उसे फाइनली ग्रामर एक स्वॉर्ड जिसमें गॉड्स तक को मानने की पावर है वो मिलती है, एंड हेला के पास जाते वो डार्कनेस एंड हेला के गेट को गार्ड कर रहे बीस्ट ग्राम को डिफीट करती है, ऑल्सो सेविंग डिलियंस हेड। सेनुआ यहाँ हेला को कन्फ्रंट करने के लिए निकलते फ्यूरीज उसे रोक रहे होते हैं, एज सेनुआ के साथ फ्यूरीज भी मारे जाएंगे, इसलिए सेनुआ फ्यूरीज को मैजिक मिरर्स में बंद कर निकलती है। और हेला के पास जाते सेनुआ फाइनली समझ जाती कि डार्कनेस उसके फादर की दी हुई अब्यूज है, बिकॉज उसके फादर उसे कर्स्ड होने की वजह से काफी पीटते एंड अब्यूज करते थे, एंड हेला ही वो
गॉड है जिसने सेनुआ को कर्स दिया। सेनुआ सबको अबैंडन कर हेला से फाइट करने निकलती है, बट हेला के काउंटलेस सोल्जर्स सेनुआ को ओवररन कर डिफीट कर देते हैं। अब सेनुआ को डिलियन की मेमोरी दिखती है, जहां वो उसे रियलिटी एक्सेप्ट करने को बोलता है, और सेनुआ यहाँ डिलियन के लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने को रेडी होती है। हेला यहाँ सेनुआ की स्वर्ड से उसे स्टैब कर डिलियन का हेड नीचे गिरा देती है, और कैमरा के मुड़ते रिवील होते कि सेनुआ जिंदा है एंड हेला इज डेड एज हर बॉडी वाज लाइंग इन ग्राउंड। और यहाँ सेनुआ ने रियलिटी और अपने फेट को एक्सेप्ट किया है कि वो कुछ भी करके डिलियन को वापस नहीं ला सकती, एंड इसी के साथ सेनुआ का ये क्वेस्ट खत्म होता है। पर नहीं, वो हमें अपनी नेक्स्ट स्टोरी के लिए साथ बुलाती है, विच लीड्स टू द एंड ऑफ दिस गेम। अब देखो, मुझे पता है कि इस गेम की एंडिंग काफी कंफ्यूजिंग है, बट इसके सिर्फ दो ही मतलब है। पहला, या तो सेनुआ ने रियलिटी को एक्सेप्ट करके सच में हेला को डिफीट कर दिया हो, एज हमें हेला की डेड बॉडी और सेनुआ जिंदा है ये दोनों चीजें गेम के एंड में दिखती है। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो भी सेनुआ ने एक्सपीरियंस किया है वो सब फेक है, एज सेनुआ साइकोलॉजिकली बीमार थी, तो हो सकता है कि ये सब उसकी हेलुसिनेशंस का पार्ट हो, लाइक रॉटिंग, डार्कनेस, ये सब क्या पता उसका फियर हो जिससे उसने स्टोरी क्रिएट करी। वेल, मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, एज डेवलपर्स ने भी अभी कुछ कंफर्म नहीं किया है। मेरे गेमिंग करियर में मैंने 600 से ज्यादा गेम्स खेली है एंड काउंटलेस गेम्स को कंप्लीट किया है, बट ये गेम मेरी लिस्ट के टॉप पे है जिसकी स्टोरी आज तक मेरे को क्लियर नहीं हुई हो। खैर, इसी साल 21 मई को हेलब्लेड 2 रिलीज होने वाली है, जो कि शायद से सारे डाउट्स क्लियर कर दे, तो लेट्स वेट फॉर इट। एंड यप, आज की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्रेस द लाइक बटन, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट होऊंगा। एज पता नहीं मैं क्यों आजकल अपना इसमें इंटरेस्ट लूज कर रहा हूँ। खैर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। और अगर मुझसे बात करनी है देन आप मेरी स्ट्रीम्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, लाइव चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। एंड इसी के साथ मैं मिलूंगा आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप गेमिंग, बाय बाय, सी यू।